एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली में जाके, पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे, पिक्चरों के पोस्टर? अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे, पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक MLA था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरों कश्मीरी पंडितों के नाम पे कोई कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार, आंखें खोलो तुम लोग। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया, 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को ये बात साफ और वाज़े तौर पर कहना चाहूंगा कि RTI के एप्लीकेशन में यह कहा गया जवाब में कि 30 साल में 1724 मिलिटेंट्स को हुकूमत और फौज ने, पुलिस ने उनको मारा, मिलिटेंट्स को, यह उनकी मौत हुई, जिसमें से सिर्फ 89 कश्मीरी पंडित का कत्ल हुआ। और सर, हैरत की बात यह है कि कश्मीरी पंडित के ताल्लुक से बड़े गम और आंसू बहाए जाते हैं, मगर 30 साल में एक ही आदमी को कोर्ट ने उसको सजा दी। और विटनेस कौन था? कश्मीरी मुसलमान हरदनाथ वंचू के कत्ल के केस में। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि एक आजादना कमीशन को फौरन बनाया जाए ताकि सच्चाई और हकीकत सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और हैरत अफसोस इस बात का है कि 1500 नॉन पंडित हिंदुओं का भी कत्ल हुआ मिलिटेंट्स की तरफ से, मगर उनके बारे में कोई आंसू नहीं बहाया जाता, उनके बारे में कोई पिक्चर नहीं बनती अपनी जेब गर्म करने के लिए। सर, दूसरी बात यह है कि जो आपके घर पर जो है वहाँ पर दिल्ली में हमला हुआ है और डीसीपी ने बताया कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, हिंदू सेना के लोग थे। यही तो रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं लोग और इनके रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदारी BJP सरकार पर आती है। यही तो हम बता रहे हैं कि एक सांसद के घर पर अगर इस तरह हमला होगा तो क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में? अच्छा, यहाँ पर आप जो आए थे मुलाकात करने? हाँ, मिलने आए भाई, यूपी के बहुत बड़े नेता हैं शिवपाल यादव साहब, हम उनसे मिलने आए, बात करने आए। अलायंस को लेकर के क्या कोई बात? नहीं, बात नहीं, खाली बात यह है कि कुछ करें उनके लिए ना, वो कश्मीर पंडित के जो दिल्ली में पड़े हुए है। खाली मीठी मीठी बातें क्यों बोलते हो? व्हाट इज योर प्रायोरिटी? हिंदू धर्म को बेच के आप वोट कमाने का चक्कर चला रहे हो, इसी को हम काट रहे हैं? हम क्या चीज काट रहे हैं? कहीं फाइल्स हो तो क्या फाइल्स होना चाहिए? ट्राइबल के फाइल्स के बारे में सोचो, इरिगेशन फाइल्स के बारे में सोचो, इकोनॉमिक फाइल्स के बारे में सोचो, GDP के फाइल्स के बारे में सोचो, देश के आर्थिक उन्नति के लिए सोचो, वो फाइल्स के लिए नहीं है। खाली धर्म के नाम पर राजनीति चलना, ये कहां तक सही है? 100% कर रहे, बिल्कुल वो कह रहे
इससे बढ़कर हमसे कुछ होता ही नहीं है बोल रहे, इसमें शर्माने क्या बात है, छुपाने क्या बात है। वो तो खुलेआम कह रहे हमारे पास यही कश्मीर फाइल्स होता, पुलवामा होता, पाकिस्तान होता, हम किसी को राक्षस बताते, इसके नाम पे तुम वोट दो, यही तो कह रहे ना वो लोग सुबह शाम, जो देश के हित में अच्छा नहीं है। तो कश्मीर की फाइल मेरे पास, मेरे भाइयों बैठे हो, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूं। आरटीआई निकली, आरटीआई, आरटीआई कौन देता है? गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट देता है कि 30 सालों में कितने लोग मारे गए, गवर्नमेंट ने दिया है, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। उसमें लिखा हुआ है कि 30 सालों में कश्मीर में 724 लोग मारे गए आतंकवाद में, और वो निकाला हिंदू भाई ने, कोई मुसलमान ने भी नहीं निकाला है, एक हिंदू भाई ने निकाला आरटीआई, और कह रहा है कि पूरे 30 सालों में 724 लोग मारे गए, जिसमें 89 पंडित मारे गए, यानी 724 में 85% पंडित मारे गए और बाकी सब मुसलमान और सिख मारे गए। ये कौन कह रहा है? आरटीआई कह रही गवर्नमेंट की। और प्लान कितना किया? तकरीबन 257,000 लोगों ने प्लान किया, जिसमें 12,000 मुसलमान है, बाकी सब पंडित हैं। तो जो लोग मारे जा रहे थे, ज्यादा मारे गए, वो वहां हैं, वो नहीं भागे, वो मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। जो बचे थे ना, उनको जानबूझकर सरकार ने वहां से हटा दिया। वहां मुस्लिम और हिंदू की कमेटी बनी, यहां से कोई भी पंडित या कोई प्लान नहीं करना चाहिए। लेकिन जानबूझकर के जगमोहन जिनको भेजा था, उन्होंने सबको वहां से भेजा ताकि ये नफरत बढ़े। ये ऐसे पुजारी लोग हैं। आपकी तरह से एक साधु का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, उसने कहा कि मैं जब गया कश्मीर में, तो कश्मीर में जब शराब आ गया था, पूरा डूब रहा था कश्मीर, तो हम जिस होटल में ठहरे थे वो बिल्कुल पानी में था, हमें किसी ने एक दाना नहीं दिया। हमारे ट्रस्ट में कई 100 करोड़ रुपया, बहुत बात हो रही थी, किसी ने एक सुई का एक सुई बराबर भी किसी ने कुछ हमको भेजा नहीं। वो कौन कह रहा है? मेरे पास है स्टेटमेंट, अगर आपने देखा होगा तो। कह रहा है एक आदमी आया जिसकी आंख दबी हुई थी, दाढ़ी थी, यानी उसका कहने का मतलब यासीन मलिक। एक आदमी नाव में आया, और नाव में आकर के ऊपर आया होटल में, और उसने हमें पीला चावल खाने को दिया, जबकि हमने जिंदगी में कभी मुसलमान के हाथ का खाना नहीं खाया था। हमारे घर में हमारी मां बैठी थी ऊपर होटल में, उन्होंने कभी मुसलमान के हाथ का पानी भी नहीं पिया, लेकिन हमने उस दिन मुसलमान के हाथ का खाना खाया, पानी पिया, उन्होंने हमको खिलाया। और फिर उन्होंने कहा साधु ने कि मेरा बेटा बीमार है, जो बीमारी की मैं दवा कर रहा हूं, अगर ये दवा का सिलसिला टूट गया, दवा खत्म हो गई, तो मुझे फिर से एक साल का कोर्स करना पड़ेगा, अगर मुझे आप दवा लाकर देते तो बड़ी मेहरबानी होगी। बोला वही आदमी नाव में फिर गया और दुकान से दवा लाकर बिना पैसे के मुझे दिया। अरे बजाइए आप लोग ऐसे लोगों के लिए, यह है असलियत। आप सब यहां बैठे हैं गोंडी के लोग, कोई बताए कि यहां पर कोई लड़का कोई हिंदू मुस्लिम के बीच में प्रॉब्लम कर रहा है? अरे भाई, लड़के तो बदमाश हैं, लोग हैं, हर कौम में खराब भी हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन सिर्फ हिंदू समझ के कोई कुछ कर रहा है या सिर्फ कोई मुसलमान समझ के कर रहा है, ऐसा कुछ है क्या? कह रहे हैं जहां अभी हिंदुओं की तादाद बहुत कम है ना, वहां मुसलमान बहुत हिंदुओं को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनको पलायन करवा रहे हैं। ऐसा है क्या गोंडी में? बोलिए कहीं है क्या इस तरह की बात है? नफरत फैलाना, देश मोहब्बत से चलेगा, नफरत नहीं। कहते ना कि जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता माली, जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता माली, समझ मत सेने गुलशन में मेरा ही आशियाना है। आग लगेगी तो आग नहीं जानती कौन सा घर किसका है।